नियमों के उल्लंघन की दलील हुए नागपुर में लॉकडाउन की वकालत की जा रही है, पर ना प्रशासन तैयार और ना ही नागपुर के लोग। फिर भी कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से पूरा शहर तकलीफ में है। महापौर संदीप जोशी ने लॉकडाउन के पक्षधर में नहीं है। कोविड संक्रमण के चलते बिना मास्क पहनने वाले 470 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। शहर भर में ट्रैफिक सिग्नलों और कुछ मार्गों पर 3600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से पुलिस वाहन चालकों पर भी नजर रख रही है। बुटीबोरी के स्थानीय क्षेत्र में कोविड 19 का संक्रमण पैर पसारने लगा है। मंगलवार को नगर में 3 और समीपस्थ 7 गाँव में 1 व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। नागपुर जिले में कोविड 19 के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को 5 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 144 और नए पॉजिटिव आए हैं। कलमेश्वर के लोहकर लेआउट में सोमवार को दिनदहाड़े दंपति पर की गई फायरिंग मामले में मुख्य सूत्रधार गोलू मलिए समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस के क्राइम ब्रांच ने की है। आपदाओं से लड़ते लड़ते अब मनपा दमकल कर्मियों को कोविड से भी जूझना पड़ रहा है। मनपा मुख्यालय में मौजूद सिविल लाइन्स फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर राजेंद्र दुबे की रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही विभाग में कामकाज बंद कर दिया। दंपति द्वारा पॉर्न फिल्म दिखाकर ब्लैकमेल करके एक युवती का 9 साल तक यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया। आरोपी पति ने जहां युवती से कई बार बलात्कार किया, वही पत्नी ने समलैंगिक संबंध बनाकर उसे यातनाएं दी। प्रतापनगर पुलिस ने बलात्कार और अनैसर्गिक कृत्य का मामला दर्ज कर आरोपी दंपति रामकिशन जांगिड़ और सरोज जांगिड़ को गिरफ्तार किया है। नेता और मनपा अधिकारियों की बदौलत सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले साहिल सैयद के साथ ही बड़े स्कैंडल से भी जुड़े हुए हैं। मामले से जुड़े एक अधिकारी द्वारा महिलाओं का शोषण किए जाने की चर्चा है। नागपुर में मंगलवार की सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, रुक रुक कर बारिश का दौर चला। दोपहर 12:30 के बाद बादलों की सघनता कुछ कम हुई, धूप छाव का खेल चला। बाद में बादल छाए पर बारिश नहीं हुई। कोविड संक्रमण पर अंकुश लगाने के ध्येय से मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कमर कस ली है। उन्होंने मंगलवार को भी शहर के कई इलाकों का मुआयना किया और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया। साथ ही चेताया है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।